हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपी तारा ऑल इन वन चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। और मैं भी यहाँ काफ़ी अच्छी हूँ और मैंने यूज़ किए हैं ये दो क्रीम्स जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस को भी बताऊँ कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं ताकि ये आपके लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लिए हैं मैंने दो क्रीम्स, डे एंड नाइट क्रीम्स। ये रिंकल करेक्टर क्रीम्स हैं एंड एंटी एजिंग हैं एंड ग्लो भी प्रोवाइड करती हैं। और दोनों ही क्रीम्स डे एंड नाइट ये 10% रेटिनॉल बेस्ड क्रीम है। इसके अंदर आपको रेटिनॉल मिल जाता है बी ओ एंड B3 कॉम्प्लेक्स के साथ। डे एंड नाइट दोनों में ही इन्होंने प्रोवाइड किया है रेटिनॉल 10% एंड जो डे क्रीम है आपको उसमें 15 PA++ SPF भी मिल जाता है जो कि काफ़ी बेस्ट है। PA++ का साइन है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही रेज से हमें प्रोटेक्ट करेगा। दोनों रेज मीन्स UVA एंड UVB दोनों ही रेज से ये हमें प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि बहुत से जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर PA++ नहीं होता है, ओनली SPF ही मेंशन होता है। तो वो रहता है कि प्रोडक्ट सिर्फ UVB या UVA से ही, बस एक रेज से ही आपकी को प्रोटेक्शन देगा। बट अगर PA++ इस पर मेंशन है तो ये दोनों ही रेज से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। एंड दोनों ही पैक के ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाएगी जो कि आप अच्छी तरीके से रीड कर लें। किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आप एक पेज टेस्ट जरूर करें। आई रिकमेंडेड बिफोर एनी प्रोडक्ट टू यूज़ पेज टेस्ट, बिकॉज अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या कोई भी प्रोडक्ट आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप वो आपकी स्किन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो आपको हेल्प मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं। इसलिए आप पेज टेस्ट जरूर करें और किसी भी प्रोडक्ट को रेटिनॉल वगैरह जो ये प्रोडक्ट होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, तभी कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर यूज़ करें। और अब हम बात करते हैं पॉन्ड्स एज मिरेकल 10% रेटिनॉल कोलेजन B3 कॉम्प्लेक्स डे क्रीम SPF 15 PA++ के बारे में। आपको मिल जाता है इसके साथ एक बड़ा सा ग्लास का टब और जो इसका लिड है वो आपको देखने में लगेगा लुक लाइक अ ग्लास बट नॉट अ ग्लास, दिस इज ए प्लास्टिक। आपको इसके साथ मिल जाती है एक आउटर लिड जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए होती है। ज़्यादातर लोग इसको फेंक देते हैं बट इसको फेंकना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट जो है लीकेज नहीं करता है। अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं आप अपने साथ एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकलता है और काफ़ी अच्छे से ये इसको सील कर लेता है जो इसका ये आउटर लिड होता है। इसलिए इसे फेंके नहीं, इसके साथ ही रहने दें। अब मैं दिखाती हूँ आपको इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी वाइज काफ़ी मिल्की है एंड लिटिल बिट पिंकिश कलर है, बेबी पिंक कलर है इसका। एंड जो इसकी कंसिस्टेंसी है मीडियम कंसिस्टेंसी है। स्मेल वाइज काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी अच्छी है स्मेल इसकी और ये आपको लिटिल बिट ग्लो भी प्रोवाइड करती है, प्लस आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज्ड करती है। एंड इसके अंदर हैं फाइन चंकी पार्टिकल्स जो कि अगर आप लाइट या धूप में जाते हैं तभी आपके चेहरे पर वो विजिबल होते हैं, वैसे विजिबल नहीं होते हैं जब तक आपके फेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तभी ये, जैसे कि हम हाइलाइटर लगाते हैं तब वो लाइट पड़ने पर वो रिफ्लेक्स आता है हमारे चेहरे पे कि जैसे हमने हाइलाइटर लगाया है, सेम वैसे ही इसको लगाने के बाद आपके चेहरे पे एक हाइलाइटर इफेक्ट आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये क्रीम बिकॉज इसके अंदर कोलेजन भी प्रोवाइड है। तो ये एंटी एजिंग है प्लस ग्लो भी प्रोवाइड करती है एंड आपके स्किन को ये ब्राइटन अप भी करती है, या कह सकते हैं लिटिल बिट वाइट कास्ट है इसके अंदर जो कि एक दो मिनट के बाद आपके स्किन में सेटल डाउन हो जाती है। एंड जो इसके चंकी पार्टिकल्स हैं वो हाईलाइटर का काम करते हैं बिकॉज फाइन पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप चंकी बॉल लगने लगेंगे इसको लगाने के बाद में। फाइन है, काफ़ी सूदिंग है, बट जिन लोगों को ग्लोई डूई लुक पसंद है उनको काफ़ी अच्छी पसंद आने वाली है ये क्रीम आई थिंक। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉन्ड्स एज मिरेकल रेटिनॉल 10% B3 कॉम्प्लेक्स नाइट क्रीम के बारे में। ये इनका कहना है कि ये फेड स्पॉट करेगा एंड बूस्ट रेडियंस प्लम्प स्किन फॉर ए यूथफुल ग्लो। सेम पैकेजिंग है, बोथ प्रोडक्ट आर सेम प्राइस है एंड इसके अंदर भी आपको एक आउटर लिड मिल जाता है जो कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एंड इन टब्स को मैं दोनों को फुल फिनिश कर चुकी हूँ तभी मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं कितना कम इसमें प्रोडक्ट बचा है और मैंने इनका सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है तो आप फुल डिटेल वीडियो
सेपरेट भी देख सकते हैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का। और काफ़ी अच्छा रहा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस, आप देख सकते हैं कितनी मिल्की सॉफ्ट और इजीली स्किन में अब्सॉर्ब हो रही है ये क्रीम। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं लगती है और ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, प्लस डूई ग्लोई लुक आता है और आपकी स्किन मॉर्निंग में आप देखते हैं तो आपको प्लम्पी स्किन मिलती है और लिटिल बिट ये आपको ग्लो भी प्रोवाइड करता ही है क्रीम, जो ये नाइट क्रीम है। और इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी नॉन ग्रीसी फार्मूला है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे गर्मियों में हम नाइट क्रीम लगाते हैं तो काफ़ी ऑयली फेस हो जाता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है फेस और काफ़ी प्लम्पी स्किन रहती है एंड और ये ग्लो भी प्रोवाइड करती हैं। बहुत क्रीम आर प्रोवाइड ग्लो एंड ब्राइटन अप योर स्किन। जब आप इसको क्लोज्ड करते हैं तो केयरफुली इसको आप क्लोज्ड करें, जो कि इसका ये शेप बना हुआ है तो आप इसके शेप से शेप को सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये इजीली क्लोज्ड हो जाएगा एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहेगा। एंड पॉन्ड्स एंड मिरेकल यूथफुल ग्लो नाइट क्रीम ये क्लेम करते हैं कि ये आपके स्पॉट को फेड करेगा एंड बूस्ट रेडियंस एंड प्लम्प स्किन देगा आपको। 3x यूथफुल ग्लो विद 10% रेटिनॉल कोलेजन B3 कॉम्प्लेक्स एंड रिच विद कोलेजन, आप जानते ही हैं, टू गिव प्लम्पर यंगर लुकिंग स्किन एंड रेटिनॉल सी कॉम्प्लेक्स टू हेल्प रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स एंड विटामिन B3 प्लस प्रीबायोटिक कॉम्प्लेक्स फॉर 2x ब्राइटनिंग एक्शन टू फेड स्पॉट एंड पिगमेंटेशन। ये ऐसा क्लेम करती है कंपनी। एंड इसको किस तरीके से यूज़ करना है इन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ है कि अप्लाई एवरी नाइट ऑन थ्रोली क्लींज स्किन इन एक सर्कुलर मोशन। सेट मिलेगा यूथफुल ग्लो डे क्रीम में भी ये सेम क्लेम करते हैं कि ये फेड स्पॉट करेगा, बूस्ट रेडियंस एंड प्लम्प स्किन देगा। 3x यूथफुल ग्लो विद 10% रेटिनॉल कोलेजन B3 कॉम्प्लेक्स के साथ एंड मिल जाता है ये आपको एंड इसके एनरिच विद कोलेजन नॉन टू गिव प्लम्पर यंगर लुकिंग रेटिनॉल सी कॉम्प्लेक्स टू हेल्प रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स विटामिन B3 प्रीबायोटिक कॉम्प्लेक्स फॉर 2x ब्राइटनिंग एक्शन टू फेड डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन विद SPF 15 PA++ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, ऐसा इन्होंने अपने पैक पर मेंशन किया हुआ है। अप्लाई एवरी मॉर्निंग ऑन थ्रोली क्लीन स्किन ए सर्कुलर मोशन, इन्होंने ये सभी कुछ अपने पैक पर मेंशन किया हुआ है एंड ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, इसे मैंने अपने पैसे से बाय किया है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहता है तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोटिवेशन। एंड अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं ऑनलाइन रिव्यू तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो मैं उस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड हम बात करते हैं बहुत प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के बारे में, क्या इससे फेड आउट होते हैं हमारे स्पॉट्स या नहीं। तो देखिए ये आपकी स्किन को प्लम्प करती है, ग्लोई भी करती है और ब्राइटन अप भी करती है आपकी स्किन को, बट जो स्पॉट्स हैं, मैं अपनी स्किन की बात कर रही हूँ, मेरी स्किन पर इसने कोई वर्क नहीं किया, कोई भी स्पॉट्स फेड आउट नहीं हुए। बट ऐसा नहीं है कि ये क्रीम ने अगर मेरे लिए वर्क नहीं किया है तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगी। आई होप कि ये आपके लिए वर्क करे। आप फर्स्ट टाइम इसका ट्रायल पैक यूज़ करें किसी भी प्रोडक्ट का, देन तभी बड़े टब यूज़ करें, उससे पता चलता है कि यह प्रोडक्ट हमारे लिए है या नहीं। और एंटी एजिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट मे वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और यह भी होता है कि हार्मोन्स इंबैलेंस होने की वजह से भी कुछ प्रोडक्ट हमारी स्किन पर वर्क नहीं करते हैं वैसे, बट बोथ प्रोडक्ट आर गुड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोटिवेशन।